नमस्कार, कमलेश किचन में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया है और आज मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो गाजर को कस लिया है, आप देख सकते हैं। इस तरह से मैंने इनको धो के अच्छे से कस लिया है और यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध इसको उबलने के लिए रख दिया है और ये इसमें मैं अब गाजर डालूँगी। तो यहाँ पर मैं इसमें गाजर भी डाल देती हूँ इसी तरह से। तो यहाँ पर मैंने सारी गाजरों में दूध अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसको हम पकने देंगे अच्छे से। और जब ये पकने लग जाएगा, उबलने लग जाएगा, फिर इसमें हम चीनी डालते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये जो मैंने दूध डाला था, इससे गाजर एकदम से घुल चुकी हैं और इसमें अब हम चीनी डाल लेंगे। तो चीनी हम यहाँ पर हमने 1 किलो गाजर ली हैं और 1 किलो गाजर में हम 200 से 300 ग्राम चीनी डालेंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से छोटी कटोरी, 2 कटोरी चीनी डाल दूँगी इसमें मैं। आप देख सकते हैं ये कितनी छोटी कटोरी है, तो मैं यहाँ पर 2 कटोरी चीनी डालूँगी। तो ये हमारी 200 ग्राम या 250 करीब बैठेगी और आप अपने टेस्ट के अनुसार ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब तक हमारी चीनी अच्छे से घुलती है, मैंने यहाँ पर ये काजू बादाम लिए हैं, तो इनको मैं काट लूँगी। यहाँ पर 10-20 कलियाँ बादाम की और मैंने काजू के लिए, इन्हें मैं जब तक काट लेती हूँ और इसको अच्छे से पकने देती हूँ तब तक। हमारा यहाँ पर ये दूध सूखने लगा है, तो इसमें मैंने जो ये बादाम और काजू काट के रखे थे, तो ये इसमें डाल देते हैं। तो कुछ हम बचा लेंगे गार्निश के लिए। और यहाँ पर इलायची पाउडर 1 चम्मच लिया है, ये भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर मैंने लिया है 300 ग्राम मावा, तो इसको भी हम इसमें डाल लेंगे। थोड़ा सा हम बचा लेंगे, बाकी इसमें डाल देंगे। और अच्छे से इसको मिला देते हैं अभी, और मिलाने के बाद थोड़ी देर के लिए पकने रख देंगे। तो हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो पानी था सारा सूख चुका है। और इसमें इस टाइम मैं डालूँगी 1 चम्मच घी। तो यहाँ पर 1 चम्मच घी डाल दिया है मैंने और इसको फिर हम 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कढ़ाई में बिल्कुल भी पानी नहीं है और हमें इसी तरह से हलवे को पकाना है जब तक पानी नहीं, इसका दूध नहीं सूख जाए तब तक। और हमारा हलवा बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा हलवा बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल बाज़ार की तरह हुआ है, रेस्टोरेंट की तरह। तो हम इसे एक निकाल लेंगे एक बाउल में। तो देखिए हमारा गाजर का हलवा रेडी है। यहाँ पर भी जो मैंने मावा बचा कर रखा था, इसको हम ऊपर से लगा देते हैं डेकोरेट करने के लिए। और यहाँ पर काजू जो बचा के रखे थे हमने, काजू बादाम के जो टुकड़े थे, वो भी हम इसमें लगा देंगे। तो बताइए कैसा लग रहा है मेरा गाजर का हलवा, है ना बिल्कुल हलवाई तरह, जैसे बाज़ार में मिलता है दुकान पर हलवाई की, उसी तरीके का लग रहा है ना। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे ये वीडियो आपके दोस्तों तक पहुंच सके और आप भी इसी तरह से गाजर के हलवे का लुत्फ़ उठा सकें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।